Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And I am discussing nowadays higher education in India. And this time I am going to discuss role of HRDC, means Human Resource Development Center, in higher education. Okay? And this lecture will be useful for your competitive teaching examinations as well as for your regular courses. Okay? लेट स्टार्ट जेनेसिस, कैसे उद्भव हुआ है एचआरडीसी का, कैसे ये आया है अस्तित्व में. तो फिर हमको जाना पड़ेगा ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पास. मतलब कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आप जान रहे हैं कि एनपी 1986 के रिकमेंडेशंस के बाद कितना कुछ हुआ है शिक्षा में. तो द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 इन इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन, आप जानते हैं बहुत बार आप सुन चुके हैं कि ये पीओए है, 1992 में आया, मेक्स अपॉइंटेड रेफरेंस टू द क्रूशियल लिंक बिटवीन टीचर मोटिवेशन एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने और प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने ये पाया कि एक लिंक है, एक जुड़ाव है किसके बीच में, कि शिक्षक कितना मोटिवेटेड है और वो किस तरीके की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है. मतलब जितना ज्यादा टीचर मोटिवेटेड होगा वो उतना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को. द एनपीई रिकॉग्नाइज्ड नीड फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड प्रपोज्ड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल एंड कैरियर डेवलपमेंट सो दैट टीचर्स मे फुलफिल देयर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन. एनपीई ने ये पहचान की, उसने ये पाया कि हमको टीचिंग की क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है और उसने पाया कि टीचर्स जो हैं उनके आप प्रोफेशनल और करियर डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए, अवसर प्रदान करिए जिससे कि जो शिक्षक हैं वो हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर तरीके से निभा सकें. इट वॉज प्रपोज्ड टू इनहेंस देयर मोटिवेशन स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज एंड देयर बाई इनकलकेट इन देम द राइट काइंड ऑफ वैल्यूज दैट वुड इन टर्न इनकरेज देम टू टेक इनिशिएटिव्स फॉर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वर्क. ये प्रपोज किया गया, ये सोचा गया, ये अनुमोदित किया गया कि हम टीचर्स की मोटिवेशन स्किल्स बढ़ाएं, उनकी अभिप्रेरणा बढ़े, उनका नॉलेज बढ़े. कैसे? विशिष्ट विषयों में उनको ओरिएंटेशन दिया जाए, मतलब उनको ओरिएंट कीजिए, उनको उस तरफ मोड़िए, उनका अभिविन्यास कीजिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट टेक्निक्स के लिए, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज के लिए, जिससे कि उनके अंदर राइट काइंड ऑफ वैल्यूज इनकलकेट हो सकें और वो इनकरेज हों, वो प्रोत्साहित हों कि उनको बढ़िया कुछ नवाचार करना है, कुछ नया काम करना है उच्च शिक्षा में. यूजीसी इन द परसुएंस ऑफ द एनपी 1986, तो एनपी 1986 ने ये दिशा दिखाई, फिर यूजीसी ने लॉन्च किया. क्या लॉन्च किया? एएससी. पहले इसका नाम एकेडमिक स्टाफ कॉलेज था. एकेडमिक स्टाफ कॉलेज माने कि स्टाफ को पढ़ाया जाएगा कुछ इस तरह से, है ना. बाद में इसको यूजीसी एचआरडीसी कर दिया गया कि यूजीसी का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर. मतलब कि अब जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहा जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर हो गया, है ना. प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, इसलिए लॉन्च किया ताकि हम हायर एजुकेशन में क्वालिटी बढ़ा सके टीचर्स को प्रोफेशनली अपग्रेड करके. इन दिस एंडेवर 66 एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया फुल्ली फंडेड बाय द यूजीसी. यूजीसी ने कहा कि इस कार्यक्रम की फंडिंग वो करेगा और 66 एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस विभिन्न विश्वविद्यालयों में खोले गए. लेकिन 2015 से, मतलब बहुत पुराना नहीं है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर कहा जाने लगा. निकलेगा तो बंद कर दीजिए. एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस वर रीनेम्ड एज एचआरडीसी. ओके, देन फिलॉसफी क्या है? द एचआरडीसीज मेन फिलॉसफी इज टू कीप इन माइंड दैट द टीचर इज सेंट्रल टू द सिस्टम. इसकी फिलॉसफी ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो केंद्र, जो निकाय है, मतलब जो ये पूरा हायर एजुकेशन का हिसाब किताब है, उसमें शिक्षक जो है वो केंद्र बिंदु है. एज द पेस ऑफ चेंज हैज एक्सीलरेटेड द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन हैज बिकम मोर अनप्रेडिक्टेबल and discussions about how to maintain its relevance to countries dream intensified. वो कह रहे हैं कि जैसे कि change हो रहा है, बहुत तेजी से change हो रहा है, तो जो higher education का future है, जो भविष्य है उच्च शिक्षा का, वो बहुत ज़्यादा unpredictable है. मतलब आप उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है. जैसे कोरोना ने कितना कुछ बदल दिया, कोविड पैंडेमिक ने, किसी ने नहीं, कोई अनप्रिडिक्टेबल था, किसी ने सोचा नहीं था. तो कैसे आप ये रेलेवेंट रहेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नए नए इनोवेशंस, नई टेक्निक, नई मेथोडोलॉजी, नए कंटेंट से रूबरू होते रहें. अंडर द गिवन सिनेरियो द रोल ऑफ द टीचर हैज इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज एक्सपेक्टेड दैट टीचर्स विल अज्यूम द रोल ऑफ अ चेंज लीडर एंड फैसिलिटेटर.
तो इस परिदृश्य में देखा गया कि जो शिक्षक की भूमिका है वो एक समय के हिसाब से बदल रही है। मतलब शिक्षक ये नहीं कि आप एक बार शिक्षा मतलब शिक्षण में आ गए तो फिर आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपग्रेड होने की जरूरत है, आपको नया कुछ सीखते रहने की जरूरत है। एंड इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ये जो भूमंडलीकरण का युग है उसमें शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि आप चेंज लीडर के रूप में काम करेंगे, मतलब आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चेंज के हिसाब से अडेप्ट होंगे और सहायक की भूमिका में होंगे। फैकल्टी डेवलपमेंट थ्रू HRDCs, PMMM, NMTT, देखिए ये क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि इसके ब्रोशर्स आते हैं, फ्लायर आते हैं, फैन भी बनकर दीजिएगा। PMMM, NMTT सेंटर्स एंड अदर फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग एक्सीलेंस। वो कह रहे हैं कि हम HRDC के तहत PMMM, NMTT सेंटर और अदर फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे जिससे कि हमारा जो स्ट्रेटजी क्या है कि हम एक्सीलेंस को अचीव कर सकें। द थ्रस्ट ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट थ्रू दीज इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स इज टू इनेबल ऑल फैकल्टी टू एक्वायर स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज दैट हेल्प इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड बिकम मोर इफेक्टिव एट फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट लर्निंग। वो कह रहे हैं कि फैकल्टी डेवलपमेंट का थ्रस्ट क्या है, एकदम इस पे इम्फेसिस किस पे किया गया है कि हम जो फैकल्टी है उसको स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी देंगे, उसको विशिष्ट दक्षता देंगे जिससे कि उसका वर्क परफॉर्मेंस सुधर जाए, उसकी टीचिंग इफेक्टिवनेस बढ़िया हो जाए और वो और बढ़िया तरीके से प्रभावी तरीके से स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट कर पाए, मतलब उसमें सुविधाजनक सहायक की भूमिका में हो। लर्न अबाउट न्यू फील्ड्स, फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, हमको ज्ञान की नई बातों के बारे में पता चले, नए क्षेत्र के बारे में पता चले, हमको नया इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी मॉडल पता चले कि अच्छा इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, पेडागॉजी के बारे में पता हो, जिससे कि क्या होगा हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव कर सकेंगे और टीचिंग इफेक्टिवनेस को इन्हेंस कर सकेंगे और एक्सीलेंस होगा हमारे, मतलब उत्कृष्ट कोटि का हम अनुसंधान कर सकेंगे और स्कॉलरशिप में इंगेज्ड होंगे। ये सब दर्शन को ध्यान में रखते हुए HRDC की स्थापना की गई है कि ऐसा होगा अगर हम फैकल्टी को ट्रेन करेंगे तो। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू इंक्रीज एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पेशली डिजाइंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन पेडागॉजी बेस्ड ऑन फ्री मूव्स एंड हाइब्रिड क्लासेस। अब हाइब्रिड का तो अब कंसेप्ट आ गया है ना, क्योंकि पहले तो नहीं था, ये अब तो बहुत हाइब्रिड मोड की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाएं, कभी पेडागॉजी पे बेस बनाएं, कभी किसी विशिष्ट चीज पर बनाएं और हाई क्वालिटी एजुकेशन हम अपनी फैकल्टी को प्रोवाइड करें ताकि फैकल्टी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगी। ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम हम बना लें कि इंडक्शन हो, ओरिएंटेशन हो, रिफ्रेशर हो, है ना। ओरिएंटेशन जैसे ही आप सर्विस में एंटर होते हैं तो आपको ओरिएंट किया जाता है कि आप और बढ़िया तरीके से अपनी क्लासरूम में ट्रांजैक्ट कर पाएं चीज़ों को। रिफ्रेशर कि अगर आपकी कोई मतलब चीज़ें पुरानी पड़ गई हैं तो आप उसको फिर से रिफ्रेश कर लीजिए, नया कुछ जान लीजिए, है ना। टू इनकरेज टीचर्स टू डेवलप इन हाउस एजुकेशन टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर्स दैट हेल्प entrepreneurial startups get off the ground by providing them with research, mentorship and connections. टीचर्स को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, अनुसंधान में क्या नया चल रहा है ये बताया जाए, उनके लिए 1 week प्रोग्राम चलाए जाए जैसे कि एकेडमिक लीडरशिप पे, IPR पे, IPR क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे जो जरूरी हैं। आप किसी भी विषय के शिक्षक हो, आपको क्लास में उसको डिस्कस करना जरूरी है, आपकी आपके आपको यूज है, आपको उसका यूज है, यूसेज है, आपके काम की चीज है। और टू ऑर्गेनाइज स्पेशली डिजाइन इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम रिफ्रेशर कोर्सेज इन IT, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो जो न्यू इंट्रेंट है, जो नया नया भर्ती हुआ है शिक्षक, आप उसको इस तरीके के कोर्सेज में इनरोल कराइए, सिखाइए ताकि वो और बेहतर ट्रांजेक्शन कर सके। और PMMNTT क्या है कि HRDCs include पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग टू एड्रेस इंपॉर्टेंट इश्यूज पर्टेनिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स विद सिस्टम्स टू सपोर्ट देयर कंसिस्टेंट नॉलेज अपग्रेडेशन टू मैच द ग्लोबल कॉम्पिटेंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फास्ट ग्रोइंग न्यू नॉलेज इन वेरियस डिसिप्लिन्स एंड अक्रॉस। वो कह रहे हैं कि ये भी एक नई स्कीम चलाई गई, इसमें कहा गया कि जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हम लेक्चर देंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, FDP कराएंगे। FDP क्या, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे क्या होगा कि जो उनकी नॉलेज है वो अपग्रेड होगी और वो मैच कर सकेंगे किससे, जो ग्लोबल कॉम्पिटेंस है। मतलब हमको सिर्फ लोकल नहीं रहना है, हमको सिर्फ अपने देश के लिए नहीं तैयार होना है, पूरे विश्व के लिए तैयार होना है, ऐसी दक्षता हमारे अंदर होनी चाहिए, मतलब हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों में और भी वेरियस डिसिप्लिन में। इतना नया रोज रोज कुछ आ रहा है, उससे हम मैच कर पाएं और हम अपने अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को वो बता सकें।
फिर कोलैबोरेशन, बहुत मतलब संस्थाओं से कोलैबोरेट करके एचआरडीसी काम करती है, देयर इज अ नीड और जरूरत भी है ना, क्योंकि सिर्फ एक बॉडी नहीं कर सकती. तो वो कह रहे हैं कि हमने कई किससे किससे कोलैबोरेशन कर रखा है, IUCTE, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, CEC, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इनफ्लिपनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, NHRDC, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, सिनर्जिस्टिकली, मतलब सामंजस्य बिठा के आप चलिए. सबसे ऊपर कौन रहेगा? IUCTE शेल डिवाइज द पेडागॉजिकल टूल्स कमेंसरेट टू द करिकुलम प्रिस्क्राइब इन द गाइडलाइंस, एंड CEC शेल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ OER. OER क्या है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड MOOCs बाय अप्रिशिएटिंग द कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज एंड इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी रूब्रिक्स, वेयर एज इन्फ्लिपनेट शेल प्रोवाइड द वाइडली एक्सेप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर ऑडियो वीडियो एंड अदर ई रिसोर्सेज. ठीक है, ठीक है. यानी कि सबसे ऊपर IUCTE है, फिर उसके बाद CEC है. CEC OER MOOC बनाएगा, इन्फ्लिपनेट वो डिसेमिनेट करेगा, ऑडियो वीडियो ई रिसोर्सेज बनाएगा, और लास्ट में HRDC EMRC से मिलके. EMRC क्या है? एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर. और NRC क्या है? नेशनल रिसोर्स सेंटर. इनके संग कोलैबोरेट करके प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ई रिसोर्सेज करेगा, यानी ई रिसोर्सेज बनाएगा भी और उसको प्रसारित भी करेगा. फिर अर्पित भी एक इसमें नया नाम है. अर्पित, अर्पित का फुल फॉर्म है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग. ये MHRD हैज लॉन्च्ड एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, अ मेजर एंड यूनिक इनिशिएटिव ऑफ ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूजिंग दी मूक्स प्लेटफॉर्म स्वयं. देखिए, स्वयं के बारे में, स्वयं पे भी मेरा वीडियो है, आप सुन लीजिए उसको. मूक पे भी है, सुन लीजिए उसको. तो वो कह रहे हैं कि आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कई बार आपको DA लेनी पड़ती है, ड्यूटी लीव. कई बार आप एकेडमिक इंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं और एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपसे छूट जाता है क्योंकि छुट्टी नहीं सैंक्शन होती है, आपके पास और जिम्मेदारी है. तो ऑनलाइन कर लीजिए अर्पित के थ्रू, और इसका भी जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है और आपके कैश में यानी करियर एडवांसमेंट स्कीम में जोड़ा जाएगा. तो आप इसके लिए, आपको DA लेने की भी जरूरत नहीं है. और ये एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्रामिंग टीचिंग ये नाम है उसका, ये ऑनलाइन है. ठीक है, आपको कहीं छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना सेल्फ पेस्ड अपने हिसाब से पढ़िए. बस उसका एक एग्जाम लास्ट में होता है, वो आप दीजिए और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और असाइनमेंट आते हैं वो सबमिट करते रहिए. तो द कोर्स इज अ 40 आवर मॉड्यूल विद 20 आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट एंड 20 आवर्स ऑफ नॉन वीडियो कंटेंट. यानी कि 40 घंटे का ये मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल का ये कोर्स होता है, जिसमें कि 20 घंटे का वीडियो कंटेंट होता है और 20 घंटे का नॉन वीडियो यानी कि टेक्स्ट. फिर UGC HRDC इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैड एस्टैब्लिश्ड फॉर बिल्डिंग अप क्वालिटी एंड एक्सीलेंस अमंग टीचर्स कम्युनिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू इम्पार्टिंग नॉलेज, अपडेटिंग टीचिंग स्किल्स टेक्नोलॉजी पीरियोडिकली, प्रमोटिंग क्रिटिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग, एप्लीकेशन ऑफ ICT एक्सेट्रा. मीन्स HRDC की स्थापना क्यों की गई? कि जो हायर एजुकेशन में फैकल्टी इन्वॉल्व है, जो टीचर इन्वॉल्व है, उसको आप मोटिवेट कीजिए, उसको आप प्रोफेशनली अपग्रेड कीजिए, उसको नई नई बातें बताइए ताकि उसकी टीचिंग इफेक्टिवनेस बढ़े और स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम बढ़े. इसके लिए सारा बहुत कुछ फंड करता है UGC. और उसके वो क्या है, मतलब जो मुद्दे हैं कि हमको टेक्नोलॉजी बताएंगे, हमको क्रिटिकल ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग प्रमोट की जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ ICT सिखाया जाएगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे बात होगी, IPR पे बात होगी, सब समसामयिक मुद्दों पर ये चलता है कोर्स. ठीक है, तो इन दिस वे आप समझ गए होंगे कि HRDC का रोल क्या है, क्यों इसकी स्थापना हुई. पहले इसका नाम ASC था, 2015 में HRDC हो गया, और NP 1986 और POA 1992 की रिकमेंडेशन के बाद UGC ने इसको शुरू किया है. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.